हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पृष्ठ में स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट क्वेश्चंस एमपी एग्जाम्स के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम कैसे तैयारी की। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले ट्यूटोरियल में, भारत के राष्ट्रगान जनगणमन के रचयिता थे, तो उत्तर मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बताया भी था, मैंने पूछा था कमेंट में बताइएगा, तो आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया दोस्तों। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो उत्तर होगा इसका 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो उत्तर मिला है महाबलेश्वर। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इसका उत्तर होगा 15 अंश। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मतलब ब्रिटिश शासन जो अंग्रेज थे उनके द्वारा दो स्थानों का नाम बताना है आपको जहां पे प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर होगा मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? तो ये सभी जानते हैं, बाघ। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशंड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? भारतीय वायुसेना में यानी एयरफोर्स में कमीशंड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का, पायलट ऑफिसर का। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? यानी युद्ध में जो साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है तो वो होता है परमवीर चक्र, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, मतलब उनके साहस और पराक्रम की मिसाल दी जा सकती है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए कि चार महाद्वीप है। ठीक, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, यानी ऋतु जो होती है वो किन कारणों से होती है? उत्तर होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण लगाती है तो उनके कारण ऋतुएं बदलती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो उत्तर होगा बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है, यदि आपसे पूछा जाता है कि डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है तो उत्तर होगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो उत्तर तबादला। किसके लिए? तबादला के लिए। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, उस एक मुगल बादशाह का नाम बताना है जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, यानी राज्य में शासन ना किया था। तो उत्तर होगा हुमायूं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्यसभा होती है उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति का काम होता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? ऐसी कौन सी गुफा है जहां त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफंटा, एलिफंटा ही एक ऐसा गुफा है जहां पे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो अगला हम देखते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है करावती, कारावती, तो आप बोल सकते हैं करावती, कारावती। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो होगी काली मिट्टी। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं आपको एक अगला क्वेश्चंस देता हूं जिनका क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि विख्यात महाकाव्य जो एक महाकाव्य है महाभारत के रचयिता कौन है। आप लोगों ने यह ग्रंथ पढ़ा भी होगा, ठीक, आप तो ये चीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जो आज मैंने 20 क्वेश्चंस बताए हैं ये 2016 में 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं इनमें से, ठीक, और संभावित इस बार जो EAMP पुलिस या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मैं चुन चुन के लाता हूँ क्वेश्चंस, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में बैठने से पहले इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, ताकि आपको वहां पे बैठने पे झिझक ना हो, आपसे बन जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर, और आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बगल में बेल आइकन होता है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हमारे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आपके दोस्त भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें और वो एक अच्छे पोस्ट पर हों। मेरा यही संकल्प है कि आप सभी को कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।